हाय गाइस, आप स्वागत है टीएनजी गेमिंग चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट गेमिंग रिव्यू हमारे रियलमी 6 प्रो का, जो कि हमारा तगड़ा डिवाइस है रियलमी की तरफ से, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और उसके साथ हाई परफॉर्मेंस मोड भी मिलता है। तो हाई परफॉर्मेंस मोड को भी हम ऑन करेंगे, उसके साथ 90Hz के रिफ्रेश रेट को भी ऑन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में गेमिंग परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलती है, कितनी स्क्रॉलिंग हम फास्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर कितना बढ़ता है डिवाइस का, साथ ही बैटरी कितनी लगती है एक घंटे की पूरी गेमिंग में। आज के गेमिंग टेस्ट में हम एसफॉल्ट 9 खेलेंगे और उसके साथ खेलेंगे हम पबजी। तो मैं आपको बताती हूँ सब कुछ इस डिवाइस के बारे में। So, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा टेम्परेचर आया है 32.5 डिग्री। अब मैं डिवाइस के अंदर फटाफट से ऑन कर देती हूँ हमारा हाई परफॉर्मेंस मोड, जो कि आप बैटरी से जाके ऑन कर सकते हैं और बैटरी है हमारी 52% पे। इसके साथ ही हम डिस्प्ले में ऑन कर देंगे इसके 90Hz के रिफ्रेश रेट को। ऑटो पे वैसे सेट है, लेकिन मैं 90 पे करके आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में हमें परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खेलेंगे मेरी फेवरेट एसफॉल्ट 9। ये हमारी कार रेसिंग गेम है और इसमें आपको बढ़िया तरीके से दिखेगा कि एक्चुअल में जो हमें रिफ्रेश रेट मिलता है 90Hz का, वो कितना स्मूथ लगता है, मतलब कितना स्मूथ तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। गेम्स को अपनी कोई हैवी एप्स को एकदम आपको फ्लूइडिक मोशन मिलेगा पूरे डिवाइस के अंदर। और साथ ही 6.6 इंच का हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले जो मिल रहा है, वो हमारा काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले है। और ये जो डुअल पंच है, ये भी देखने में काफी प्यारा नजर आता है, मतलब एक्चुअल में गेम खेलने में आपको पूरा मजा आएगा, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो कलर वाइज भी बढ़िया लग रहा है, वाइब्रेंट लग रहा है, एकदम बढ़िया स्मूथ डिस्प्ले है। और उसके साथ ऑडियो क्वालिटी भी देखी जाए तो डिवाइस की काफी अच्छी है, मतलब मैंने इसकी रिंगटोन्स, जैसे कुछ टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो रिंगटोन्स जो मुझे इसकी लगी वो बहुत ही तेज लगी, एकदम फायरिंग सी रिंगटोन्स आती हैं इसकी, तो गेमिंग के अंदर भी आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिल रहा है और रिंगटोन भी बहुत ही तगड़ी है, तो मतलब ऑडियो आउटपुट को भी आप डिवाइस के बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये गेम हमारी बहुत ही स्मूथ चल रही है एकदम मजेदार तरीके से। ये आप देख सकते हैं, गेम हमारी एकदम स्मूथ चल रही है मजेदार तरीके से, एक्चुअल में मजा आ रहा है इस डिवाइस के अंदर गेम को खेलने में। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम लगाते हैं अपनी पबजी को। पबजी मैंने ऑन कर ली है और ये आप देख सकते हैं सेटिंग्स, यहाँ पे काफी लोगों को बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा रिटेल यूनिट है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे। इससे ऊपर आपको अवेलेबल होगा, लेकिन अभी अनलॉक नहीं करी है कंपनी ने, मे बी जब भी अनलॉक करेंगी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि अनलॉक हो गई है सेटिंग्स और उस पर हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो रिकमेंडेड सेटिंग्स में हम गेम को करते हैं स्टार्ट। इस डिवाइस के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है और डिवाइस का जो प्रोसेसर है वो हमारा काफी अच्छा है, मतलब एंटूटू स्कोर भी अगर जो है हमारे डिवाइस का वो भी 2,83,000 आता है, जिसमें हमें GPU CPU दोनों ही सॉलिड मिलते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको डिवाइस में अच्छी मिल जाती है, मतलब बहुत तगड़ी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन काफी अच्छी मिल जाती है। लेकिन बढ़िया चीज जो है डिवाइस की वो ये है कि आपका डिवाइस जो है वो थर्मल एफिशिएंट है, बैटरी एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होती है बाकी डिवाइसेस के कंपैरिजन में, और उसके साथ ना ही आपका डिवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। अभी मैंने जैसे डिवाइस के अंदर गेम खेल रही हूँ, काफ़ी देर हो गई है, पीछे से पकड़ने में डिवाइस को मेरे को ज़्यादा हीटिंग के फील नहीं हो रहा है। और साथ ही डिवाइस के अंदर AI कैपेबिलिटीज़ भी हमें बहुत ही तगड़ी मिलती है। बैटरी कितनी लगती है तो मैं आपको एंड में ही बता पाऊंगी पूरा एक घंटा खेलने के बाद, लेकिन जैसे मैं नॉर्मली डिवाइसेस को यूज करती हूँ, इसको भी मैंने यूज किया है अपने पर्सनल यूजेज में, तो उसमें एक दिन तो ये डिवाइस हमारा आराम से निकाल ही देता है, मतलब बैटरी बैकअप एक्चुअल में इसका हमारा काफी अच्छा निकल के आता है। और चार्जिंग,
चार्जिंग तो इस डिवाइस का हमारा मेजर हाईलाइट है। आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है जो कि आपके डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर देगी। मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट भी किया था, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और चार्जिंग टेस्ट में चार्जिंग टेस्ट में थोड़ा सा डिवाइस हमारा हीट होता है क्योंकि चार्जिंग काफ़ी फास्ट है, मतलब पहले आधे घंटे में अगर 60% बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है तो थोड़ा सा डिवाइस हीट होना बनता ही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस जो है डिवाइस के अंदर बहुत ही अच्छी मिल रही है, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रही है, कोई लैगिंग कोई स्टटरिंग देखने को नहीं मिल रही। गेमिंग को तो आप बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। अगर आप अपने रिफ्रेश रेट को ऑटो पे सेट कर देंगे, वो मेरे को लगता है थोड़ा सा बैटरी को आपको और बढ़ा देगा, बैटरी बैकअप और अच्छा दे देगा। 90 हर्ट्ज पे थोड़ी सी हमारी बैटरी ज्यादा लग जाती है। और वैसे साथ ही डिवाइस के अंदर जो हमें बॉडी मिलती है, जो डिजाइन मिलती है, उसके अंदर हमारे पास उसकी वजह से ये डिवाइस हमारा स्प्लैश रेजिस्टेंट बन जाता है। और मैंने इसका वाटर टेस्ट कर दिया है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेस्टिंग के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और भी किसी फोन का आपको वाटर टेस्ट देखना हो तो मुझे जरूर कमेंट करें। ये आप देख सकते हैं पूरा एक घंटा हो चुका है हमें गेमिंग करते हुए। अब फटाफट से लेते हैं टेम्परेचर। 36.5 डिग्री आया है टेम्परेचर हमारा, सिर्फ 4 डिग्री टेम्परेचर राइज किया टोटल गेमिंग में। और बैटरी परसेंटेज आप ये देख सकते हैं 32% पे आ गई है, मतलब 20% हमारी बैटरी लगी है। नॉर्मली अगर हम देखें, अगर जिनमें हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है उसके अंदर 17-18% हमारी बैटरी लगती है। तो 3% आप कह सकते हैं हमारी बैटरी इसलिए ज़्यादा लगी है क्योंकि हमने 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट किया था। तो एक्चुअल में डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड मिलती है, हीटिंग इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, और उसके साथ बैटरी भी आपकी ज़्यादा नहीं लगेगी चाहे आप डिवाइस में 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में गेम खेलते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, टेस्टिंग पसंद आई होगी। जल्द मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया टेस्टिंग लेकर आती रहूँगी।